वेलकम टू अच्छे वन वैट यूट्यूब चैनल। आज जो हम एक चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास फोर्थ की आपका जो बुक है इन्वायरमेंट स्टडीज की ईवीएस की, जिसका नाम है लुकिंग अराउंड। उसमें से जो चैप्टर है चैप्टर फोर अनीता एंड द हनी बीज, यानी अनीता की मधुमक्खियाँ, वो वाला चैप्टर जो है आज हम उसकी वीडियो देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको इस तरह की अच्छी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए अब चैप्टर हम शुरू करते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ, आइए शुरू करें। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोहचावा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल में के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। आगे पढ़ते हैं। स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर जाकर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है, पढ़ना तो सब बच्चों का हक है। मुझे पता नहीं कैसे, पर पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। एक याद, मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबसे आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। आगे पढ़ते हैं। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए जहां लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं, मैंने सोचा कि क्या ना मैं भी ये काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग के में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन से पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख सकते हैं एक रोज़। मैंने किसी को बताया बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। तो ये आप देख सकते हैं, अनीता ने मोटरसाइकिल भी सीख लिया था।
आगे बढ़ते हैं। अनीता, मधुमक्खी पालन। मैंने मधुमक्खी पालन का बहुत कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इस रुपए से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। 1 बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी, बाकी बचे रुपए से मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। दिसंबर का महीना, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ गए। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियाँ ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे, ये काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सबसे बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ाई सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वाले वालों को शहर की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इनकी का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। तो ये था आपका चैप्टर अनीता और मधुमक्खियाँ। इसमें आपको सिर्फ अनीता की स्टोरी नहीं, आपको ये भी पता लगा कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं कि कैसे शहद बनाती हैं, सब कुछ पता लगा। तो कैसा लगा वीडियो, तो लाइक कीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी क्लास के सब वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर इस चैनल का।